हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज ना मैं बस ऐसे रैंडमली लेके बैठ गई हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए, बिकॉज मैं आज कोई भी हॉल शेयर करने वाली नहीं हूँ, ना ही कोई मेकअप वीडियो शेयर करने वाली, मतलब कुछ ऐसा शेयर नहीं करने वाला जो मैं हमेशा करती हूँ। सो आज ना मैं करने वाली हूँ अपने बालों के साथ कांड, यानी कि मैं करने वाली हूँ हेयर कलर। वैसे मुझे कुछ हेयर ऐसे ग्रे हेयर्स का कोई इशू नहीं है, बट ना फ्रॉम पास्ट 3-4 मंथ्स आई एम फीलिंग लाइक आई शुड डू कलरिंग। एंड मैंने लास्ट किया था कब, जब मेरी शादी हुई थी एंड हम हनीमून पे जाने वाले थे, तब मैंने यू नो हेयर कलरिंग वगैरह कराई थी, ब्लीचिंग वगैरह कराई थी उस टाइम पे। सो उसके बाद अब आई एम फीलिंग लाइक लेट्स डू इट अगेन एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज ना पहले ऐसा था, पहले कुछ भी कर लो चल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट आफ्टर प्रेगनेंसी इट इज़ लाइक बाप रे, इतने ज़्यादा हेयर फॉल होता है ना, इश्यूज ही इश्यूज हो जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। सो आई एम क्वाइट स्केयर्ड डूइंग इट, बट ठीक है यार, बहुत टाइम से मन कर रहा है। सो मैं ना करने वाली हूँ ये लॉरियल का कास्टिंग क्रेम ग्लॉस, नो अमोनिया कंडीशनिंग कलर, अल्ट्रा विजिबल समथिंग लिखा हुआ है इसके ऊपर, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। एनीवे सो हम करने वाले हैं ये वाला कलर एंड दिस इज इन द शेड 634। आपको बहुत सारा नॉइज सुनाई दे रहा होगा बिकॉज एसी के बिना काम करना इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा गर्मी है यार, आप देख सकते हो गर्मी ही गर्मी है। सो यहाँ पे पीछे ना मेंशन किया हुआ है आपका हेयर कलर कैसा है, ये इस उस हिसाब से ही कलर शो करेगा। अब आई डोंट नो, मेरा तो मतलब से ब्लैक लगता है, बट धूप में हल्का सा ब्राउन भी दिखता है, रेडिश वाला ब्राउन होता है ना वैसा भी दिखता है। सो लेट्स सी अभी ये मेरे बालों में कैसा होता है। बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद के पैसे से खरीदा है। मैं बता दूं, मैंने इसे मार्च में ही परचेस किया था, जब हम चेन्नई जाने वाले थे ना, तभी मैं सोची थी कि कलर कर लूँ, बट आई वॉज नॉट श्योर, तो मैंने नहीं किया और फिर रखे। अब मैंने सोचा कि चलो अब इसे कर ही लेते हैं कलर। सो चलो अब इसे अनबॉक्स करते हैं, अभी तक मैंने इसे अनबॉक्स भी नहीं किया हुआ है बिकॉज मैं श्योर नहीं थी, बट आज मैं जैसे भी तैसे भी बैठ गई हूँ, मैंने बोला आज तो कलर करके ही रहूंगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी कलर या कुछ भी बालों में लगाने से पहले आप जस्ट नॉर्मल हेयर वॉश करो, कंडीशनर वगैरह मत अप्लाई करो, बिकॉज कंडीशनर की वजह से ना बालों के ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसकी वजह से जो कलर है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। सो यहाँ पे मतलब अभी पहली बार मैं ये कलर करने जा रही हूँ, लेट्स सी कैसा होता है। मतलब मैं 2-3 बार सोच चुकी हूँ कि करते हैं, बट लेट्स सी, आई डोंट नो। सो यहाँ पे 4 चीजें दी हुई हैं, पहला तो ये है डेवलपर, और इसमें क्रीम दिया हुआ है जिसमें आपको ये दोनों को मिक्स करना है। अगर आप आधा यूज़ कर रहे हो तो इक्वली आधा आधा यूज़ करो, मतलब इसमें बॉटल में जितना दिया है ना वो आधा यूज़ करो। एंड ये है कंडीशनर जो कि मुझे लगाने के बाद यूज़ करना है, वैसे मैं इसे नहीं भी यूज़ करूँगी तो भी चल जाएगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी लॉरियल का कंडीशनर है, बट ये ना मतलब कलर वाला कंडीशनर तो मैं यही भी यूज़ करूँगी, बट मेरे पास ऑलरेडी कलर वाला कंडीशनर पड़ा हुआ है, ठीक है। एनीवेज देखते हैं हम क्या यूज़ करते हैं। सो ये 2-3 चीज़ दी हुई है एंड साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ग्लव्स। सो ग्लव्स के बिना मत लगाओ, ग्लव्स यूज करो बिकॉज हाथ को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है कलर से, भले नो अमोनिया लिखा होता है बट आई बेट कि इसमें बिना अमोनिया के काम नहीं चलेगा। सो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, सबसे पहले हम मिक्सर बना लेते हैं एक्चुअली, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया है ये, बट पहले हम मिक्सचर को निकाल लेते हैं। अभी मेरे बाल तो फिलहाल शॉर्ट है पहले से, बट आई डोंट नो कितना लगेगा, सो पहले हाफ हाफ बना के देखते हैं हम लोग, बिकॉज ना ये सेम कलर ना मेरी मम्मी जी भी करती हैं, तो वो हाफ में अपना पूरा बाल कवर कर लेती हैं, तो लेट्स सी, मेरे बाल ज़्यादा घने हैं तो लेट्स सी, मेरे को शायद पूरा ही लग जाएगा, बट ये ट्यूब काफ़ी बड़ा है तो आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, चलो हाफ हाफ करके देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अगर आप कर रहे हो ना तो कांच का ही यूज़ करो, प्लास्टिक या कोई स्टील का मत यूज़ करो, मतलब प्लास्टिक यूज़ कर सकते हो बट कांच का बाल इज सेफ, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं हाफ ले रही हूँ, मैंने हाफ ले लिया है, ऑलमोस्ट हाफ। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ये वाला, पहले मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ, पता नहीं नो रिएक्शन वगैरह चालू हो जाएगा तो एयर के साथ, तो ढक्कन बंद कर देते हैं इसे। वैसे मुझे एक्स्ट्रा लगेगा ना, मुझे पूरा बाल ही कवर करना है बिकॉज मुझे थोड़ा सा यू नो ब्लैक से हटके कलर जाना है, एंड ब्राउन जो कैरेमल शेड होता है वो इंडियन स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है। सो अब इसे ओपन कर लेते हैं एंड इसे लगाते हैं, इसे डालते लगाते नहीं। सो यहाँ पे आधा ट्यूब में डालूंगी बिकॉज मैंने आधा डेवलपर लिया हुआ है। सो आई फील ना इतना आधा आधा मेरे को हो जाएगा,
एंड मेरे को एक और डर लगता है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये सारी चीजें यूज करने से बाल ग्रे जल्दी होने लगते हैं। आई डोंट नो, बस मुझे करना है, बस इसलिए मैं कर रही हूँ। होपफुली कुछ भी ना हो, ना हेयर फॉल का इश्यू हो, ना कुछ, मतलब अच्छे से हो जाए, बस कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया है एंड अब हम इसे मिक्स करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट हाफ लिया है, नहीं हाफ से कम ही लिया, और डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है अब हम मिक्स करेंगे एंड इसे लगाएंगे। सो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, राइट, इट्स अ कैरेमल, इट्स अ कैरेमल ब्राउन कलर। सो ये वाला कलर है, अभी देखते हैं ये कलर सेम आता है कि नहीं आता, मतलब मेरे को तो नहीं लगता पूरा का पूरा डिटो सेम आएगा, बट लेट्स सी। सो यहाँ पे अब हम पहनते हैं अपना ग्लव्स। पहले ना अपने बाल को कोम कर लेंगे हम, क्योंकि मैंने कोम नहीं किया है हेयर वॉश करने के बाद, और ये बहुत बड़ी गलती होती है मेरी। मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ बट कोम नहीं करती हूँ, कर लेना चाहिए बिकॉज इससे भी हेयर फॉल होता है। सो वैसे मैंने हेयर वॉश के पहले कोम करा हुआ था, सो ठीक है, बाल वैसे तो उलझे हुए नहीं है। सो फटाफट कोम कर लेते हैं हम। और बाय द वे मैं आज ना बेडरूम में ही वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज ना यहाँ पे साइड में ही मिरर है, तो मैं लगाते लगाते देख भी लूँगी एंड वीडियो भी शूट कर लूँगी। सो मेरा बाल तो लाइक मैंने कर लिया है, अब हम करेंगे कलर, आई मीन मैंने बालों को कोम कर लिया है, अब हम कलर करेंगे। आई मीन मैं करने वाली हूँ, आप नहीं करने वाले हो, तो आप देखो बस, देखो कैसा कलर आता है, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पे हमने ग्लव पहन लिया है, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लैक पहना हुआ है, सो दैट कलर भी लगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे अब हम करेंगे इसे मिक्स। सब ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बट हाथ से ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या ही हो सकती है, मतलब हाथ से बहुत फटाफट हो जाता है सब कुछ। सो इसे मिक्स कर लिया है। आप चाहो ना तो फॉरहेड वाले एरिया में ना मतलब मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, या फिर कुछ ऑयल वगैरह लगा सकते हो। काफ़ी लोग आगे आगे तक कलर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से ना उसका कलर रह जाता है स्किन के ऊपर। वैसे वो एक दो दिन में निकल जाता है, मतलब नेक्स्ट वॉश करोगे ना, फेस वॉश वगैरह, तो वो निकल जाता है। सो वैसे तो ये लाइट कलर है, तो आई डोंट थिंक सो ये स्किन के ऊपर उतना लगेगा, बट स्टिल यू कैन अप्लाई। सो अब यहाँ पर ये मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, अब हम लगाना चालू करते हैं। सो Let's get started. So थोड़ा सा टेढ़ा कर लेती हूँ मैं, ताकि लगाते लगाते यू कैन ऑल्सो सी एंड आई कैन ऑल्सो डू इट। मेरा ऑलरेडी बीच का पार्टीशन है, तो मैं डायरेक्टली मतलब रैंडमली लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ऑल ओवर पूरे बाल में लगाना है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब फिंगर क्रॉस कर लो, होपफुली अच्छा रिजल्ट आए एंड अच्छा लगे। सो चलो अब लगाते हैं। बस आपको ना पार्टीशन करते हुए लगाते जाना है पूरे ओवरऑल बॉल में, ऐसा छोड़ना नहीं है कहीं। वैसे छोड़ भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिखने वाला नहीं है उतना ज़्यादा, तो फिर चल जाएगा। बिना बचा हुआ कलर भी मैं मिक्स कर रही हूँ साथ में, क्योंकि आई नो ये पूरा नहीं होने वाला मेरे बाल में, तो बना लेते हैं। अभी मिक्स करते हैं फटाफट, तो पूरे बालों में लगा लेते हैं, क्योंकि एक साइड का ऑलरेडी 5 मिनट्स हो गया है मुझे। सो चलो मिक्स तो हो गया है, अब लगाना चालू करते हैं फटाफट। गिर भी रहा है यार, ऐसे लगाते हैं फटाफट से। बहुत ज्यादा गिर गया था नीचे, तो मैंने थोड़ा सा उठा लिया। सो पीछे के बालों को भी अच्छे से कवर करेंगे, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि यू नो आधा कलर हुआ है आधा नहीं हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा। सो
पड़ा होगा मेरा बाल कवर हो गया अच्छे से आई थिंक सो सुबह आगे के जो है ना यहाँ पे मेरे को नहीं लगा तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी मेरे को बहुत बेबी हेयर है यार मैं परेशान करती कभी कभी थोड़ा स्लीक हेयर स्टाइल तो मेरा बन ही नहीं पाता प्रॉपर बिकॉज ऑफ दिस बेबी हेयर्स ये तो हो गया देखते हैं क्या कमाल होता है हमारे बाल के साथ फिर से लगा देंगे और अब आधे घंटे के लिए हमें छोड़ना है बचा हुआ जो है वो मैं थोड़ा बहुत इधर उधर लगा देती हूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गए हैं एंड ना मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्राउन दिख रहा है मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट यस ब्राउन दिख रहा है एंड अब मैं जा रही हूँ इसे वॉश करने तो वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट इज़ द रिजल्ट ओके तो मैंने मेरा बाल धो लिया है एंड गाइज इसने सच में कमाल दिखाया आप देख सकते हो मतलब ये तो फिलहाल गीले हैं इसलिए उतना नोटिस नहीं हो रहा बट आगे धूप आ रही है बालों के ऊपर तो देख सकते हो आप इसने एक्चुअली कलर किया है कैरेमल शेड अब ना इसे सुखाती हूँ मैं वैसे तो मैं टाइम लूँगी सुखाने के लिए बिकॉज मैं ब्लो ड्रायर नहीं यूज़ करती आई यूज़ मतलब नेचुरल एयर एंड फैन एंड ऑल का ही यूज़ करके सुखाती हूँ तो इसे मैं फटाक से सुखाती हूँ एंड देन मैं आपको मिलती हूँ कलर हो गया है आर यू रेडी कलर देखने के लिए मतलब मुझे तो मतलब ठीक ठीक लग रहा है अभी आप बताना कैसा लग रहा है सो हियर इज़ द रिजल्ट मतलब वैसा ही हुआ है जैसा मुझे चाहिए था मतलब ना ज़्यादा ब्राउन एंड ना यू नो ब्लैक में तो नहीं रहना था बट ये बहुत अच्छा लगा मतलब कैमरा में उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा है बट इट्स लिटरली लुकिंग वेरी नाइस इन फ्रंट आपको थोड़ा सा ना धूप में दिखाती हूँ मैं आपको सो धूप में ना काफ़ी अच्छा सा यू नो एक शेड दे रहा है मेरे बाल ब्लैक थे ना तो ब्लैक एंड ब्राउन का मिक्स शेड दे रहा है मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और बाल भी काफ़ी यू नो सिल्की स्मूथ लग रहे हैं आप मालूम नहीं पहला वॉश है इसलिए लग रहा है बट स्टिल इट्स लुकिंग रियली नाइस यार कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि बेबी हेयर ज़्यादा ब्राउन हो गया मुझे ऐसा लग रहा है मतलब कैमरा में स्टिल नॉट विजिबल बट सामने से ऐसा मुझे लग रहा है कि बेबी हेयर ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं बट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे धूप पड़ रही है तो ये कितना ज़्यादा क्यूट वाला कैरेमल ब्राउन दिख रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड फिलहाल बाल मेरे पूरी तरह से सूखे नहीं हैं एंड मैं अभी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना मैंने डे लाइट में शूट किया है तो अगर शाम हो जाएगी तो प्रॉपर यू नो दिखेगा नहीं रिजल्ट इसलिए सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड आई गिव थम्स अप मतलब घर पे अगर आपको कलरिंग करनी है तो यू कैन गो विद दिस यहाँ पे शेड भी दिखाया हुआ है ये ब्लैक में होगा ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन वाले शेड पर होगा ये ब्राउन शेड पर बट आई डोंट थिंक सो ये कहीं से भी मैच कर रहा है तीनों में से यू नो किसी भी शेड में बट मुझे अच्छा लगा मतलब हल्का सा ब्राउनिश टोन चाहिए था मुझे मेरे बालों में जो कि मुझे मिल चुका है एंड आई डेफिनेटली लव दिस एंड 600 रुपए का ये पैक आता है आई थिंक सो 600 और 650 का ये पैक आता है बट ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा लगा मुझे अब इसने मेरे बाल को डैमेज किया है कि नहीं किया है आफ्टर यू नो 1-2 वॉश के बाद मुझे पता चलेगा फिलहाल तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड आई एम लविंग द रिजल्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपको यू नो कुछ टाइम के बाद का भी व्यू पॉइंट चाहिए मेरा कि इससे बाल झड़ रहे हैं या फिर यू नो वैसा ही है कुछ फ़र्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अगर चाहिए होगा तो मैं इसका रूटीन अपडेट कर दूंगी आप लोगों को एंड आपको कैसा लग रहा है बाल मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फिलहाल तो फ्रीजी लग रहा है बिकॉज जस्ट वॉश किया है इसलिए एंड मैं नेचुरल वे में ही अपने बालों को सुखाना पसंद करती हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही फ्रीजी लग रहा है
रहा है. सो आई थिंक तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर देना. बाहर काम चल रहा है, एनीवेज इग्नोर. सो और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू मुझे बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. सो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग. बाय.